हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम टू धमाका स्टॉक चैनल। आज हम लोग एनालिसिस करेंगे पीपीएल प्लस टेक लिमिटेड के बारे में। तो इस शेयर में आगे क्या करना चाहिए जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो देखिए, आपका लास्ट फ्राइडे के दिन ये शेयर आपका एनएससी पे ओपन हुआ था 152.15 पे, हाई गया था 182.50, लो गया था 151.65 एंड क्लोज हुआ था 181.25 पे। ओके, एंड कल के डे पे ये शेयर आपका इंक्रीज हुआ था 19.35%। इस कंपनी का अभी मार्केट कैपिटल है ₹282.76 करोड़, एंटरप्राइज वैल्यू है ₹307.23 करोड़ एंड पीई रेशियो है 20.78। इस कंपनी के ऊपर अभी आपका डेप्थ है ₹28.56 करोड़ का, तो इसका जो डेप्थ इक्विटी रेशियो निकल के आ रहा है वो आपका आ रहा है 0.31। अगर किसी भी कंपनी का डेप्थ इक्विटी रेशियो एक और एक से कम होता है तो हम लोग उसको अच्छा मानते हैं, और यहाँ पे एक से कम ही है। एंड इस कंपनी का कैश फ्लो एज पर प्रॉफिट का रेशियो है 1.31। अगर किसी भी कंपनी का कैश फ्लो एज पर प्रॉफिट का रेशियो एक और एक से ज्यादा होता है तो हम लोग उसको अच्छा मानते हैं, और यहाँ पे एक से ज्यादा ही है। इस कंपनी का अर्निंग पर शेयर है ₹8.72, रिटर्न ऑन इक्विटी है 8.97% एंड आरओसीई है 13.38%। ये जो कंपनी है टीपीएल प्लास्टिक, इस कंपनी में प्रोमोटर्स का होल्डिंग है 74.86%, पब्लिक का होल्डिंग है 25.06%, डीआरआई का होल्डिंग है 0.08%। अगर किसी भी कंपनी में प्रोमोटर्स का होल्डिंग 40% और उससे ज्यादा होता है तो हम लोग उसको अच्छा मानते हैं, और यहाँ पे 40% से ज्यादा ही है। और एक चीज देखिए, ये जो आपका 74.86% प्रोमोटर्स का होल्डिंग है, इसमें आपका कुछ भी शेयर प्लेज नहीं है, प्लेजिंग शेयर का जो परसेंटेज है बिल्कुल जीरो है, जो कि फंडामेंटली एक आपका अच्छा बात है। तो अभी देखिए, मैंने कंप्यूटर स्क्रीन पे इस शेयर का 5 क्वार्टर का क्वार्टरली रिजल्ट ओपन कर लिया। तो पहला चीज देखिए, लास्ट क्वार्टर में मतलब दिसंबर 2021 के क्वार्टर में इस कंपनी में आपका नेट सेल्स हुआ था 58.52 करोड़, जो कि इसका जो पिछला 4 क्वार्टर का नेट सेल्स है उसके मुकाबले ज्यादा है। अगर हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करेंगे तो इस क्वार्टर में आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया है 6.93 करोड़, ये भी इसका जो पिछला आपका 4 क्वार्टर का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है इसके मुकाबले ज्यादा है। अगर हम लोग नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो देखिए, आपका लास्ट क्वार्टर में नेट प्रॉफिट आया 3.66 करोड़, ये भी इसका जो पिछला आपका 4 क्वार्टर का नेट प्रॉफिट है इससे ज्यादा है, मतलब लास्ट क्वार्टर का क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा आया है। ओके, और एक चीज देखिए, एक साल में इस कंपनी ने रिटर्न दिया है 96.48% का, जो कि मेरे हिसाब से एक साल के लिए एक अच्छा रिटर्न है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, सीधे चले जाएंगे इस शेयर का चार्ट पे एंड वहां पे जाके इस शेयर का चार्ट का भी एक बार एनालिसिस कर लेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हो सके तो बेल आइकन में भी क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आप लोगों के पास ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन चला जाए। और एक बात, पूरा वीडियो देखने के बाद अगर आप लोगों को इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे, कुछ भी इंफॉर्मेटिव लगे, तो मेरे वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का एक लाइक मुझे हर रोज अच्छा अच्छा शेयर ढूंढ के उसके ऊपर वीडियो बनाने के लिए एनर्जी देता है। तो अभी देखिए, मैंने कंप्यूटर स्क्रीन पे इस शेयर का 1 डे का चार्ट ओपन कर लिया। तो देखिए, लास्ट ट्रेडिंग डे पे मतलब कल का दिन, यहाँ पे एक आपका पॉजिटिव कैंडल फॉर्म हुआ था एंड उस कैंडल में सुपर ट्रेंड ने बाय सिग्नल भी दिया था, जो कि टेक्निकली एक आपका अच्छा बात है। एंड डेली चार्ट के हिसाब से अभी यह शेयर आपका 100 डेज एंड 50 डेज का जो मूविंग एवरेज का लाइन है इसके ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। आरएसआई भी अबव 60 है और एमएसडी भी 0 पॉइंट से ऊपर है, मतलब डेली चार्ट में ज्यादातर इंडिकेटर यहाँ पे हम लोगों को बुलिश साइन शो कर रहा है। तो चीजों को और भी अच्छी तरीके से समझने के लिए अभी हम लोग सीधे चले जाएंगे इस शेयर के एक बार वीकली चार्ट पे। तो अभी देखिए, मैंने कंप्यूटर स्क्रीन पे इस शेयर का वीकली चार्ट ओपन कर लिया हूं, और यहाँ पे देखिए मैंने एक रेड कलर का लाइन ड्रॉ किया है नीचे की तरफ, ठीक है। ये है इस शेयर का एक स्ट्रॉन्ग आपका सपोर्ट लेवल। तो देखिए, लास्ट टाइम इसी लाइन पे सपोर्ट लेते हुए शेयर आपका ऊपर की तरफ भागा था, फिर से जब भी ये शेयर नीचे की तरफ आया, देखिए गिर रहा था कुछ दिनों से, मतलब कुछ वीक से गिरने के बाद देखिए इसी लाइन के नजदीक जब आया इसको तोड़ नहीं पाया, और यहाँ पे सपोर्ट लेते हुए फिर से आपका ऊपर जाना चालू किया। और आपका जस्ट 2 वीक पहले यहाँ पे देखिए एक आपका पॉजिटिव कैंडल फॉर्म हुआ था एंड उस कैंडल में सुपर टेन ने बाय सिग्नल भी दिया था, जो कि एक अच्छा बात है। और अभी जो वीक खत्म हुआ, इस वीक में भी देखिए यहाँ पे हम लोगों को एक आपका पॉजिटिव कैंडल ही फॉर्म होता हुआ दिखा है। आरएसआई भी देखिए लगभग 60 का जो लेवल है उसके नजदीकी है, और एमएसडी भी 0 पॉइंट से ऊपर है, मतलब वीकली चार्ट में भी ज्यादातर इंडिकेटर यहाँ पे हम लोगों को बुलिश सिग्नल शो कर रहा है। तो चीजों को और भी अच्छी तरीके से समझने के लिए अभी हम लोग सीधे चले जाएंगे इस शेयर का एक बार मंथली चार्ट पे। तो अभी देखिए, मैंने कंप्यूटर स्क्रीन पे इस शेयर का मंथली चार्ट ओपन कर लिया। तो पहला चीज देखिए, बहुत दिन पहले ये शेयर जब गिरा था
गिरते गिरते जब ये जो रेड वाला लाइन इसका सपोर्ट लाइन है इसके नजदीक आया था, इसको तोड़ नहीं पाया था और यहाँ पे सपोर्ट लेते हुए लास्ट टाइम देखिए फिर से ये शेयर आपका ऊपर की तरफ भागा था, लेकिन फिर से जब भी ये शेयर आपका नीचे की तरफ गिरा इस लाइन पे सपोर्ट लेते हुए मतलब इसको तोड़ नहीं पाया और यहाँ पे सपोर्ट लेते हैं और इस महीने देखिए यहाँ पे हम लोगों को एक आपका पॉजिटिव कैंडल फॉर्म होता हुआ दिखाई एंड इसी कैंडल में सुपर टेन ने यहाँ पे बाय सिग्नल भी दिया जो कि एक अच्छा बात है टेक्निकली। अगर हम लोग आरएसआई की बात करेंगे तो देखिए आरएसआई आपका गिर के 40 का जो लेवल है उस 40 का लेवल तक आ गया था लेकिन फिर से आपका आरएसआई अपटेन हो चुका है। एमएसडी एक न्यूट्रल जोन पे है तो मेरे हिसाब से देखिए अभी ऐसे डेली चार्ट वीकली चार्ट मंथली चार्ट तीनों टाइम फ्रेम में मुझे बहुत ही बुलिश लग रहा है। तो मेरे हिसाब से अभी जो इसका करेंट मार्केट प्राइस है लगभग 181-182 अगर इसी रेंज पे इस शेयर को खरीदा जाए और अगर आप लोगों का नजरिया मिनिमम 3 महीने का भी है तो मुझे जो लगता है कि 3 महीने के अंदर ये शेयर आपका 215 से लेकर 225 का जो टारगेट है उसको भी अचीव कर सकता है। लेकिन कुछ भी एक्शन लेने से पहले आपका जो फाइनेंशियल एडवाइजर है उससे एक बार जरूर कंसल्ट कर लीजिएगा क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूं और मैं यहाँ पे किसी भी तरीके का कुछ भी टिप्स नहीं देता हूं। तो मैं क्या करता हूँ मेरा जितना टेक्निकल एंड फंडामेंटल का नॉलेज है उसके ऊपर बेस करके वीडियो बना के आप लोगों को सही इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूँ कि कौन सा शेयर टेक्निकली कैसा है कौन सा शेयर फंडामेंटली कैसा है। तो आज के लिए इतना ही, पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।